रहाणे अगला मैच नहीं खेलेंगे। हाँ, मेरा मानना है कि जो आत्मविश्वास के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल कम नजर आ रहा है, तो अगला मैच अगर आप रहाणे को खिलाएंगे तो उनका भी नुकसान होने वाला है और टीम का भी नुकसान होने वाला है। तो मेरा मानना है कि एक युवा बल्लेबाज, एक फ्रेश बल्लेबाज को अगर आप खिलाएंगे तो टीम को फायदा जरूर हो सकता है। हार्दिक पांड्या की जगह ले ली है शार्दुल ठाकुर ने? नहीं, हार्दिक पांड्या एक जबरदस्त बल्लेबाज है जो खुद बल्लेबाजी से मैच जिता सकती है। शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर का भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है जो बल्लेबाजी में योगदान दे सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या से आप तुलना नहीं कर सकते शार्दुल ठाकुर। मोइन के पास है विराट की चाबी, क्योंकि आज छठी बार मोइन ने टेस्ट इतिहास में कोहली को किया आउट। मुझे नहीं लगता है कि मोइन के पास चाबी है, लेकिन जरूर ऐसे पहले भी मैंने देखा है मोइन अली के खिलाफ विराट आउट होते हुए, नेथन लायन के खिलाफ भी आउट होते हुए, क्योंकि बॉल जब नहीं ज्यादा घूम रहा है तो टर्न के लिए खेल बैठते विराट कोहली, और बॉल जब सीधा रह जाता है तो बारी किनारा एक्सपोज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा दबाव बनाकर रखा है मोइन अली विराट कोहली के ऊपर। पांचवें दिन खलेगी अश्विन की कमी? बिल्कुल हाँ, खलेगी, और मुझे लगता है कि जो विकेट है अभी जो फुटमार्क्स है, अश्विन से बेहतर विकल्प विराट कोहली के पास कोई भी नहीं है। जडेजा के पास है वो काबिलियत, लेकिन अश्विन की कमी जरूर महसूस करेंगे विराट कोहली और टीम इंडिया। इंग्लैंड इस मैच को बचा ले जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि स्पोर्ट बुक प्रेशर के वजह से इंग्लैंड कल मैच हार सकता है।